देश में सबसे ऊंचाई पर है, क्योंकि पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा से लेकर कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार संजय कुमार तक सब ने भारत में हिमाचल का नाम रोशन किया। अब जब सैनिक स्कूल हमीरपुर की बात आती है तो राज्यों की सरकारों की अनदेखी का खामियाजन को भुगतना पड़ता है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो अभी तक हो नहीं पाया, कई वर्षों से लेकर जब से इसकी स्थापना हुई है। स्थानीय मुद्दे कई रहते हैं कि जो क्षेत्र है इसको दिया हुआ वो भी पूरी तरह से चिन्हित करके उसकी बाउंड्री वॉल करने का भी अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। अब लड़कियों की हॉस्टल शुरू होना और उसमें भी अगर तरह तरह की समस्याएं आएंगी, अगर ज़मीन चिन्हित नहीं होगी तो फिर उसमें दिक्कत आती है। मुझे लगता है राज्य की सरकार के साथ MOA जल्द हो जाए। ग्रांट बाकी राज्य बहुत ज़्यादा देते हैं, हमारे यहाँ पे काफ़ी कम है राज्य की सरकार की ओर से। हम प्रयास करेंगे कि केंद्र सरकार की ओर से तो हम देते ही हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से बजट भी और उसके ऊपर भी जो एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा दिया जाता है। तो मेरा अनुरोध राज्य की सरकार से रहेगा कि लंबित मांगे जो बहुत लंबे समय से है MOA साइन करने की, जमीन की डिमार्केशन की, और जो ग्रांट इन एड सालाना मिलती है उसको कम से कम 3-4 गुना बढ़ाने की, तो उस दिशा में फिर हम राज्य से अच्छे विद्यार्थियों को सेना के उच्च कोटि के अधिकारी भी भविष्य में बना पाएंगे। पिछले 9 वर्षों में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने देश का नेतृत्व किया है, ईमानदार सरकार दी है और देश की अर्थव्यवस्था को भी दुनिया की पहली 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में लाकर खड़ा किया, 27% गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया, 3.5 करोड़ पक्के मकान बनाकर दिए, 9.60 करोड़ बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर और कनेक्शन मुफ्त में दिए, 11.50 करोड़ परिवारों को नल से जल के कनेक्शन मात्र 3 वर्षों में पहुँचाने का काम किया, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत में मुफ्त में देने का काम, ऐसे ही हर गांव तक बिजली, हर घर को बिजली देने का काम हो, सड़कें 4 गुना ज़्यादा बननी शुरू होगी, रेलवे 3 गुना ज़्यादा ट्रैक्स बिछने शुरू हो गए, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हो गई, विदेशी पूंजी निवेश आज तक का रिकॉर्ड आया है। ये सारे काम मोदी सरकार के लेके जब हम 2024 में जाएंगे, ईमानदार नेतृत्व जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया में आगे बढ़ाया है, निश्चित तौर पर लोग फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी को ही समर्थन देंगे, क्योंकि देश की जो लगातार तरक्की हो रही है उसके साथ देश की जनता खड़ी रहेगी। राज्यों के चुनावों में राज्यों के विषय प्रमुखता से लिए जाते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है 2024 में एक बार फिर मोदी सरकार ही आएगी और पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। अगर आप 2018 के नतीजे देखेंगे, तेलंगाना हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, कर्नाटक हो, ये सब राज्य भी उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती थी, लेकिन 2024, जैसे मैं कहता हूँ कि 2019 में 303 सीटें हम जीते थे, 2024 में भी 300 पार ही करेंगे।